हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने 10+1 फिजिक्स की, एनसीईआरटी की भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपनी लेक्चर स्टार्ट कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल हमने लेक्चर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड एम्बेसमेंट के ऊपर अपलोड किया था, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को पसंद आया होगा। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए डिमेंशनल एनालिसिस, हम वेरियस डिमेंशन फॉर्मूलाज लिखेंगे और उनको फिर कैसे यूज़ करना है, यूजेज ऑफ डिमेंशन एनालिसिस क्या हैं, कैसे एप्लीकेबल होनी है। ये 1+1 के बच्चे पंजाब बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों और इंडिया के किसी बोर्ड के हों, वो इन फॉर्मूलाज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और नीट के लिए और JEE मेन के लिए भी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला लेक्चर है। शुरू से लेके लास्ट तक लेक्चर पूरा देखिए, जैसे भी आपको लाइक पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन दबा के रख लीजिए, तो आने वाली जो फ्यूचर नोटिफिकेशन है आपको पता चलते जाएंगे। डेली हफ्ते में 3 या 4 लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, इससे ज़्यादा भी अपलोड हो सकते हैं। आप कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर्स को वॉच करना शुरू कीजिए। लेक्चर नंबर 2 को वॉच करने से आज से पहले पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 3 के देखना है तो 2 और 1 देखिए। कंटिन्यूटी में सुनिए, कंटिन्यूटी वॉच कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, तो उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बहुत एनहांस हो जाएगी। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर 10+1 फिजिक्स NCERT चैप्टर नंबर 1, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। इसके अंदर बेसिकली तो मैंने चैप्टर नंबर 2 लिया डायमेंशन एनालिसिस NCERT के हिसाब से, तो मैं कुछ आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने लोअर क्लास में पहले पढ़ रखी है, 9th, 10th, 11th कह लीजिए, जहाँ कहीं कहीं ना कहीं इसके बारे में सुन रखा है, उनके उनका डिमेंशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इजी क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मॉडरेट, फिर टफ की तरफ चलेंगे। टफ कुछ नहीं होता, मींस जो आने वाले सिलेबस की जो चैप्टर भी फिजिक्स के नहीं पढ़े उनकी डिमेंशन फॉर्मूले भी हमें करने पड़ते हैं, तो ध्यान से समझ लेना है। जैसे एरिया, एरिया इज ए 2 डिमेंशन एरिया ऑफ ए प्लेन, इसमें 2 ही डिमेंशन आने वाली, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ स्केयर होगा तो लेंथ का स्केयर हो, साइड स्केयर हो जाएगा, तो सब में एल स्केयर ही आएगा। चाहे आप एरिया ऑफ सर्कल लगा के देख लीजिए, पाई आर स्केयर होता है, इसमें भी पाई की डिमेंशन ही होती है, आर स्केयर बचेगा, आपके पास एल स्केयर बचेगा। रेडियस मीन्स लेंथ, तो सब में फॉर्मूला क्या आने वाला है, मास आंसर में नहीं आता, टाइम नहीं आता, सिर्फ लेंथ आता है। तो लेंथ का स्केयर होगा, मास और टाइम की पावर हम 0 रखेंगे, और ऐसा यूनिट होगा मीटर स्केयर। चाहे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लें, 4πr², 4π की कोई डिमेंशन नहीं होती, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आर स्केयर ही बचा, फिर एल स्केयर ही बचा, तो हमारे पास यूनिट, चाहे सरफेस एरिया ले लो, या एरिया ले लो, एरिया ऑफ सर्कल ले लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लो, एरिया ऑफ स्केयर ले लें, सबका आंसर सेम आने वाला। सेकेंड क्वान्टिटी हम ले रहे हैं जनरलाइज, सबको ही पता है वॉल्यूम ऑफ ए गिवन बॉडी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, तो ब्रेथ और हाइट को भी एल सिंबल से रिप्रेजेंट करना है एज फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटी। तो एल क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 l3 t0, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास m3। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, तो एक बार स्क्रीन के ऊपर आप देखें। तो हम ले रहे हैं उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम, तो मास m हो गया, वॉल्यूम l क्यूब हो गया। अब इसके साथ m0 t0 ना लिखो, हमें शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो m1 l-3 हो जाएगा, टाइम नहीं आता आंसर के अंदर, तो मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, लेंथ का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये प्रैक्टिस करने से बार बार हमने क्या याद करना है, एरिया डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, एरिया का फॉर्मूला क्या है, दैट्स ऑल। ये अपने आप बनते जाएंगे साथ साथ, ये भी डेवलप होता जाएगा, तो ये स्किल डेवलप हो जाएगा डिमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूला को कैसे याद करना है, फिर उसको आने वाले न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। आपको डिमेंशनल फॉर्मूला और ऐसे यूनिट फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, आप बने रहें। अब अगली क्वांटिटी ले रहे हैं, स्पीड बोल लेंगे तो स्केलर, वेलोसिटी लेंगे तो वेक्टर, स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर वेलोसिटी बोलना चाहें प्रॉपर फिजिक्स में तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, लेकिन डिमेंशन फॉर्मूला लिखते हुए हम इसका आंसर एल ओवर टी ही लिखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा डिमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। मास नहीं आ रहा है आंसर के अंदर, m0 l1 t-1, यूनिट पता लग रहे हैं मीटर पर सेकेंड, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का सेकेंड है, तो ये बहुत बहुत बेसिक्स हैं,
लेकिन बेसिक से ही आगे बढ़ा जाते हैं। ये नहीं कि बेसिक डिमेंशन फॉर्मूले इग्नोर कर दें, तो कई बार बच्चे को टिपिकल डिफिकल्ट डिमेंशन फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं, जो बहुत ईजी होते हैं उस वो फॉरगेट हो जाते हैं एग्जाम में, मेमोरी में रिकॉल नहीं होता और न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। तो एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम होता है, लिखने के लिए कई बार वेलोसिटी ओवर टाइम लिख लेते हैं, तो डिमेंशन फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी का वेलोसिटी का सेम होगा, एल वन टी माइनस वन चेंज इन टाइम मैंने टी लिख लिया तो मास आ नहीं रहा आंसर के अंदर, उसकी पावर जीरो कर दी, एम जीरो एल वन टी माइनस वन था, टी पावर वन ऊपर जाके माइनस वन एन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो एम जीरो एल वन टी माइनस। तो डिस्टेंस और स्पीड वैसे ही पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम एक बार आ रहा है, एक्सेलरेशन में टाइम दो बार आ रहा है, डिस्टेंस ओवर लेंथ, डिस्टेंस ओवर टाइम स्केयर बेसिकली। तो मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का यूनिट, सेकेंड हो गया टाइम का, तो मीटर पर सेकेंड स्केयर हमारा एस आई यूनिट बनेगा एक्सेलरेशन का। अब हम बात करने वाले हैं फोर्स की, सबको पता है हमने पढ़ा हुआ है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर हमने ड्राइव कर लिया है, एम जीरो एल वन टी माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, एम के ऊपर कुछ लिखा है इसका मतलब ऊपर वन है, तो वन प्लस जीरो ये वन हो गया, एल पावर वन टी पावर माइनस टू। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलो वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को वन न्यूटन फोर्स कहते हैं न्यूटन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर। अगर सिंबल डालना है तो एन डाल लेंगे कैपिटल, अगर पूरा नाम लिखना है तो एन स्मॉल डाल लेंगे, ऑल लेटर्स विल बी स्मॉल, कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, दैट विल बी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ध्यान से देखना है, फोर्स वर्क, फोर्स वर्क, वर्क लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख लेते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए, एम वन एल वन टी माइनस, ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन है ये मास है, तो आगे लेंथ आगे डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास बन गया एम वन एल टू टी माइनस टू। तो जो फॉर्मूला फोर्स का है उसमें लेंथ वन पावर वन से आती है, अगर लेंथ पावर टू से आए तो वर्क डन हो जाता है, क्योंकि तो इसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई हुई हुई है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको याद होना शुरू हो जाएगा, वन न्यूटन इंटू वन मीटर क्या कहते हैं वन जाउल, अगर इसको पूरा लिखना है स्मॉल लेटर में जे स्मॉल लिखेंगे वन जूल। तो आगे हम डिमेंशन फॉर्मूला देखेंगे, पावर, पावर होती है कितनी बॉडी ने जितना वर्क डन किया डिवाइड बाय द टाइम, एबिलिटी टू डू वर्क पावर कहते हैं। तो इसको घबराना नहीं, ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, है ना, कुछ नाइन्थ में पढ़े हुए हैं, कुछ इलेवंथ क्वांटिटीज के हैं, कुछ क्वांटिटीज अभी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तो उनके डिमेंशन फॉर्मूले यहाँ भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत जितना समझाया जा सकता है समझाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर डिटेल चैप्टर बनने वाला है, डिटेल टॉपिक्स आने वाले हैं। ये तो चलो पता ही है, पावर वर्क डन ओवर टाइम होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू हो गया है, ओवर टाइम टी पावर वन हो गया है, तो जाके टी ऊपर जाके माइनस थ्री हो जाएगा, वन जूल ओवर वन सेकेंड, वन जूल पर सेकेंड को हम वाट कहते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल बल्ब खरीदने जाते हैं वहाँ पर लिखा होता है 50 वाट बल्ब दे दो, 60 वाट दे दो, है ना, तो पावर कितनी है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 50 वाट 60 वाट, तो 220 वोल्ट पे चलता है एसी जिस पे चलती है साइकिल वो 50 हर्ट्ज है, तो कितनी पावर कंज्यूम ले रहा है वो 50 वाट ले रहा है। आगे प्रेशर, प्रेशर होता है दबाव, एयर का प्रेशर कितना है, एटमोसफियर प्रेशर कितना है, आगे जाके डिटेल में एक एक टॉपिक प्लस वन में, तो नाइन्थ क्लास से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में आने वाला है। तो क्वांटिटीज तो अभी लोअर क्लास की ही ली जा रही है, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स लिख लिया, एरिया लिख लिया, इलेवेंथ की भी हैं और नाइन्थ की भी हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू हो गया, ये टू जाके माइनस वन हो गया। तो इसके बाद फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, तो वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम फिजिक्स की दुनिया में पास्कल कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट पास्कल था जिसने प्रेशर के यूनिट्स के बारे में बताया, इसलिए कुछ यूनिट्स मोस्टली साइंटिस्टों के नाम पे मिलेंगे, न्यूटन है, जूल है, पास्कल है, आगे बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वांटिटीज आती रहेंगी हम लर्न करते रहेंगे, उनको न्यूमेरिकल में ट्राई करते जाएंगे, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, करके दिखाएंगे अभी आज। उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में पढ़ रखा है, मास इंटू वेलोसिटी, एक बॉडी है 1 किलोग्राम की है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड है, तो वो हो गया लीनियर मोमेंटम, मास की एम हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया,
एम जीरो एल वन टी माइनस वन था, उसको मास के साथ कंबाइन किया तो आपके साथ ये आंसर आ गया। तो हम ऐसे यूनिट यहाँ से ले सकते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया 1 किलोग्राम पावर 1 है, मीटर पावर 1 है। जो नेगेटिव आवर वो लिखी हुई है, जो पॉजिटिव आवर है उसके ऊपर हमने 1 नहीं लिखा, नहीं लिखा तो इसमें तो 1 है। अगर पावर 0 है तो 0 जरूर लिखते हैं। इम्पल्स क्या होता है, क्रिकेट प्लेयर बैट के साथ बॉल आती है, हिट करता है ना, फोर्स लगाता है तो बॉल दूर जाती है, हिट होने के बाद कितने शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाई, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, आगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर्स में, वर्क ऑफ एनर्जी में। अभी हमने बस इतना सोचना है इम्पल्स है क्या न्यूमेरिक बस के लिए। इस चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चल रही है, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, टाइम का लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट देखो, फोर्स के यूनिट न्यूटन आ गए, टाइम के सेकेंड आ गए। 1 न्यूटन अपने आप में क्या होता है, 1 किलोग्राम फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड पावर 1 है, ये माइनस 2 है, सेकेंड पावर माइनस 1 बचेगा। तो ध्यान से देखो, जो आंसर लीनियर मोमेंटम का है वो इम्पल्स का है, जो डायमेंशन फार्मूला लीनियर मोमेंटम का है वो इम्पल्स का है। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज बनेगी, फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन फार्मूले और ऐसे यूनिट सेम होंगे, जिसमें पहली एग्जाम्पल आ गई है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला और ऐसा यूनिट सेम है। आगे हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये होता है कि उस बॉडी की कितनी डेंसिटी है, डिवाइड बाय करते हैं डेंसिटी ऑफ द वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी डेंसिटी है, मान लो डेंसिटी ऑफ आयरन निकाल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकाल रहे हैं, या डेंसिटी ऑफ आयरन लिखेंगे या डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे। तो चाहे आयरन हो या वाटर हो, डेंसिटी का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम m1l-3t0 डिवाइड बाय m1l-3t0। तो आंसर क्या बन गया, कट जाएगा आपस में, m0l0t0। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। आगे हम बात करने वाले हैं वेव, ये हमारे ट्रांसवर्स वेव दिखाई है ना, लो क्लास में पढ़े होंगे, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वेव होती है, ये इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ वेव इज आल्सो कॉल्ड वेव लेंथ, ये भी होती है। यहाँ देखो वेव कंप्लीट होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, मीन से एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे मेथड हैं। जब जब जैसे जैसे फिजिक्स आगे पढ़ाते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसका कंसेप्ट जुड़ता जाएगा, लेकिन आंसर का मीनिंग सेम ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ द वेव, दैट मीन्स लेंथ, लेंथ का फॉर्मूला लिख लेंगे, यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, जहाँ ये एक वेव है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो जाती है, मान लो 2 हो जाए, ये 2 होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ठीक है, तो 2 हर्ट्ज। एक वेव को पूरा करने का कितना टाइम लगा, यहाँ तक, यहाँ से चल के यहाँ आने का टाइम, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव, ठीक है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या हो गए, t-1, फ्रीक्वेंसी का जल्दी यूनिट क्या बोलते हैं, न्यू, न्यू ऐसे सिंपल होता है, न्यू, वी नहीं, न्यू, ऐसे एक साइड छोटी, एक साइड जहाँ बड़ी कर देते हैं, ये ग्रीक लेटर है, t-1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0l0 t-1, 1 ओवर सेकेंड, सेकेंड माइनस 1 भी बोल देते हैं फ्रिक्वेंसी को कई बुक्स में। स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, शॉर्ट सिंबल उसका HZ है। कई बार आप देखोगे तो न्यूमेरिकलों में आपको CPS मिलेगा, CPS होता है साइकल्स, ये रहा CPS, ऐसे लिखेंगे हम, जस्ट वेट करो, CPS या इसको लिखेंगे साइकल्स पर सेकेंड, ऐसे भी न्यूमेरिकलों में ऐसी टर्म आ जाती है। तो घबराना नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपका काम है डायमेंशन फॉर्मूले क्वांटिटी उठाओ, तो कैसे डिपेंड करती है उसको करो, उसको बराबर प्रैक्टिस करो, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीख लो, उसका ऐसा यूनिट बनाना सीख लो, फिर इसकी एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करना सिखाएंगे, इसकी 3 एप्लीकेशन हैं। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला लगाना आ जाएगा,
वन बाई टू छोड़ दो कनेटिक एनर्जी की होती है ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी प्रोजेस्ट ड्यू टू इट्स मोशन, जब बॉडी कोई मोशन में होती है उसके पास कनेटिक एनर्जी होती है, एम वी स्केयर मास लिख देंगे, वेलोसिटी लिख देंगे, उसको स्केयर कर देंगे तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, स्केयर करेंगे जीरो का स्केयर जीरो रह जाएगा, एल स्केयर टी माइनस टू हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। कई स्टूडेंट बहुत फास्ट मैथ्स करते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, तो माइनर माइनर मिस्टेक मैथमेटिक्स में हो जाती है, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं चाहे नॉन मेडिकल हैं। तो ध्यान से पढ़ें, हर लेक्चर में बोला जा रहा है जब भी फिजिक्स लर्न करनी है, रीड करनी है, राइट करनी है, एग्जाम में उसको ट्राई करना है, एग्जाम में लिखना है, थ्री आवर एग्जाम है, वन एंड आवर एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, पेशेंस रखनी है, कूल हेड रखना है, प्रैक्टिस करके जानी है, राइटिंग स्किल करके जाना है, रिविजन करके जानी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस लर्निंग बाई डूइंग है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वर्बल प्रैक्टिस नहीं करनी है। वो हमें इंटरमेशन फॉर्मूला सीधे ही हमें याद है, कनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो वर्क होता है वो कनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी का सेम इंटरमेशन फॉर्मूला सेम ऐसे यूनिट है, दोनों अपने आप में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो एम वन एल टू टी माइनस टू इसका यूनिट भी जूल है। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ये भी हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, इट्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, जैसे बाहर डैम में पानी स्टोर करके रखा जाता है, जैसे वो नीचे गिरता है तो वीज इसके ऊपर गिरता है, वो वीज रोटेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ड्यू टू हाइट बॉडी लाइंग एट सर्टन हाइट एम जी एच, ये भी पढ़ा हुआ लोअर क्लास का फॉर्मूला है। जी क्या है, एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसोलेशन क्या होती है, चाहे बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जैसे बस का ट्रक हम मूव कर रहे हैं, ये लीनियर मोशन है स्ट्रेट लाइन के, अगर बॉडी ऊपर से एप्पल गिर रहा था वृक्ष के नीचे, जैसे न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे ही गिरता है, तो वहां से उसको एहसास हुआ कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं जा रहा, कोई ना कोई अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे पुल कर रही है, जिस एसोलेशन से वो एप्पल नीचे गिर रहा था उसको उसने कैलकुलेट करा है ना, एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मीन्स जो लीनियर एसोलेशन का फॉर्मूला है, डिमेंशन फॉर्मूला, इसका भी सेम है। आगे जाके जैसे जैसे टॉपिक अनाउंस होता जाएगा, हम एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में लेक्चर देते रहेंगे आपको, फिलहाल इतनी इस समय इतनी जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हो लीनियर एसोलेशन और एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वन एंड सेम थिंग फॉर डिमेंशन एनालिसिस। वैसे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एम जीरो एल वन टी माइनस टू, साथ में हाइट का मतलब लेंथ है, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो एम वन एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, जिसका यूनिट जूल हो जाएगा। तो ये ऐसे यूनिट ऐसे भी लिख लेते हैं, देखो मास किलोग्राम, पावर वन, लेंथ मीटर, पावर टू, टाइम सेकंड माइनस टू। अगर आपके वन जूल को वन न्यूटन इंटू वन मीटर करने से ना समझ आए तो आप यहाँ से उठा सकते हो उसका डिमेंशनल एसआई, डिमेंशनल फॉर्मूले से उसका एसआई यूनिट। प्लेन एंगल जिसको हम थीटा कहते हैं, बहुत बार ज्योमेट्री में पढ़ते हो, ऐसे ए बॉडी सबटेंड्स एंगल 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, आगे जाके आता है रेडियन। दो तरह के हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, वन डिग्री सिस्टम है, वन रेडियन सिस्टम है। ये डेफिनेशन क्या होती है, ए से बी अगर बॉडी मूव करी, लेंथ ऑफ आर्क उसकी एल है, कितना रेडियस ऑफ सर्कल का आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ऑफ सर्कल, एल ओवर एल कैंसल, कोई डिमेंशन फॉर्मूला नहीं, पर इसके यूनिट हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो खुद तो डिमेंशनलेस हैं लेकिन उनके ऐसे यूनिट हैं। तो रेडियन हमारी ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट आता है रेडियन, अप्रोक्सीमेटली फिर आगे जाके बताएंगे जो 180 डिग्री होता है वो हमारा पाई रेडियन हो जाता है, और कैसे बनता है तो वो मैथमेटिकल टूल्स के जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर्स देंगे उसके अंदर आपको समझा देंगे। तो 1 रेडियन क्या होता है, अगर लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर हो जाए तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन कहते हैं। आगे देखिए लाइट ईयर डिस्टेंस एल बाय द लाइट इन 1 ईयर, तो डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो मींस लेंथ ही आएगा आंसर। लाइट ईयर इज डिस्टेंस, यूनिट आगे मीटर, ऑफ कोर्स की वैल्यू होती है, ये मैंने वैसे एक टर्म ले ली। देखो एसोलेशन टू ग्रेविटी मैंने दोबारा से लिख दिया, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, यूनिट वही रहेंगे। वैसे जी की वैल्यू कितनी होती है ऐसे सिस्टम में 9.8 पर मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये छोटी जी की वैल्यू स्मॉल जी, इट्स अ वेरिएबल, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इक्वेटर पे अलग होती है, पोल पे अलग होती है, इक्वेटर पे लेस होती है, पोल पे मैक्सिमम होती है। ऐसे जैसे जैसे हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बताते रहे, अभी इनकी डेप्थ में नहीं चले जाना, ऐसे नहीं मैंने वगैरह इसको पढ़ने लग गए ढूंढने लगे गूगल पे, नो। फर्स्ट यूनिट जो है एज ए टीचर आफ्टर टीचिंग फॉर 27 ईयर्स,
हमें लगता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड और एम्बेसमेंट चैप्टर है वो बाद में पढ़ाना चाहिए हमें, काइनेमेटिक्स करानी चाहिए पहले, हमें मैथ में टूल्स कराने चाहिए, फिर वेक्टर चैप्टर पढ़ाना चाहिए, फिर हमें वापस आना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि एनसीईआरटी बुक में उससे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जोड़ी गई है तो हम स्टार्टिंग कराते हैं। इस पर कई बार बच्चों को कुछ डिमेंशन फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, 90% तो समझ आ जाते हैं, 95% के बाद ऐसी टर्म्स यूज हो जाती हैं जो आगे जाके आने वाले फर्दर लेक्चर्स में, फर्दर चैप्टर्स में, फर्दर वीडियोस में डिटेल में आने ही वाले हैं। अगर 1-2% आपको लर्न करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कंसेप्ट समझाने लग जाएंगे एक एक टॉपिक का, तो एक एक टॉपिक अपने आप में एक एक लेक्चर बन जाएगा, वन वीडियो बन जाएगा। एसिलेटेड ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसी होती है प्रूव कर सकते हैं, वैक्यूम के अंदर कैसे होती है हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी चलनी शुरू हो जाएगी फिजिक्स। अभी हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज को लेके उनके फॉर्मूले, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले, उनके एसआई यूनिट को कैसे ड्राइव करना है, कैसे यूज करना है, अभी बस इतना ही सीख रहे हैं। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ा है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन एच न्यू, एच हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है, एच क्या हो जाएगा ई ओवर न्यू, ई क्या था एम वन एल टू टी माइनस टू, फ्रिक्वेंसी क्या होती है टाइम पावर माइनस वन, तो देखो आंसर आ गया एम वन एल टू टी माइनस वन। एनर्जी का यूनिट जूल है, फ्रिक्वेंसी का सेकेंड माइनस वन है, तो वन जूल सेकेंड। अब यहाँ से लिखना चाहो मास पावर वन, किलोग्राम पावर वन, लेंथ पावर टू, सेकेंड पावर माइनस वन, तो वन जूल सेकेंड की ये वैल्यू हम ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे आगे फर्दर क्वांटिटीज आ जाएंगी, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये वैल्यू सब हम लिख लेंगे, मास हो गया, ये वेलोसिटी होगी, ये लेंथ होगी, इसका भी यूनिट सेम बनेगा। देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम और फिजिक्स क्वांटिटीज करने वाले हैं, अबाउट 20-25 और करेंगे, फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी एप्लीकेशन करेंगे, हाउ टू चेक द गिवन रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस, टू कन्वर्ट वन सिस्टम यूनिट इन अदर, एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिक्स क्वांटिटीज, एंड नंबर ऑफ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे इस न्यूमेरिकल्स इन न्यूमेरिकल्स के अंदर इन डायमेंशन फॉर्मूले की लर्निंग प्रैक्टिस, लर्निंग आउटकम निकल जाएगी, आपको कितना लर्न हुआ। तो ये देखोगे आप ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखेंगे, अभी लिख देते हैं, हेयर बोथ हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एंड सेम एसएन, कौन बोथ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये आज के लेक्चर का दूसरा ऐसा पेयर आ गया डायमेंशन फिजिक्स क्वांटिटीज का जिनका डायमेंशन फॉर्मूला और एसए यूनिट सेम। ये आपको एक इंट्रोडक्शन टू डायमेंशनलेस बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम आगे वेरियस टिपिकल डायमेंशन फॉर्मूले लेने वाले हैं, उनको करवाने के बाद जो मेजर हैं प्लस उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर चलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ आ रहा है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें बच्चों को, ठीक है। तो घर घर जो है फिजिक्स हमारी पहुंच जाए, जिनको इसकी जरूरत है वो वीडियो देख ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लर्न कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, रोज बता रहा हूँ, और बिना टेंशन के फिजिक्स पढ़ ले, इंस्पायर होके फिजिक्स पढ़े, कमेंट्स दे अपने, हम वेलकम करेंगे कि आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ गलती रहेगी, ठीक है। तो एज ए टीचर्स, वी आर टीचर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 27 ईयर्स, वी आर ऑलवेज विद यू। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, आपके ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। आप घबराओ मत कि हमें आगे कैसे समझ आएगा, पहले लेक्चर के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, आफ्टर 7-8 लेक्चर्स आपका एक रिदम बन जाएगा, तो आपको फिजिक्स जो है वो बहुत बहुत आसान तो है ही है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। एक बार इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिजिक्स और मैथ के कॉम्बिनेशन के साथ तो दुनिया में कोई भी कंप्यूटर एग्जाम जो है, वैसे केमिस्ट्री सब सॉलिड होने चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी कम कोरिलेशन रहता है, तो ये दोनों टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों में बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों। जैसा भी आपको लाइक हो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है।
थोड़ा रफ्तार में बोला गया है, थोड़ा स्पीड में बोला गया है, ताकि जल्दी से जल्दी हम कुछ इमेजन फॉर्मूले कर सकें, ताकि न्यूमेरिकल के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल एनसीईआरटी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड और कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कंप्लीट बेस बनेगा 6 मंथ्स के अंदर। तो ठीक है, तो वेलकम टू माई क्लास, तो आप पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।